आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं कैनेडा में और क्या क्या स्कोप है कैनेडा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बने रहिए पूरी वीडियो में जानने की एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो केसी आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं इस चैनल पे आपको मूविंग टू कैनेडा लाइफ इन कैनेडा रियल एस्टेट इन कैनेडा एंड बाकी और भी कैनेडा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं चेक करें प्लीज चेक करें और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं प्लीज इन्हें जरूर शेयर करें जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आज का वीडियो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा एंड काफी क्वेश्चन होते हैं एलिजिबिलिटी के अराउंड या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर आप कैनेडा में पढ़ते हैं तो उसके क्या फायदे हैं तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाया जाए जिसमें क्या क्या फायदे हैं इस प्रोग्राम के और आपको क्या क्या चाहिए इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए उसके बाद कैनेडा में क्या स्कोप है इसका तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद हर किसी का क्या मकसद होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना एंड हु इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पर्सन हु प्लेज अ की रोल प्लानिंग एक्सिक्यूटिंग कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग से लेकर हैं, समझते हैं कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं एंड इफ यू हैव ऑल दो स्किल्स देन वेदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विल बी अ गुड करियर चॉइस फॉर यू इन कैनेडा और नॉट अब बात करते हैं अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आप में स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी उसके बाद आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टास्क मैनेजमेंट नेटवर्किंग स्किल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए अगर ये सारी स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं अब अगर कनाडा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्कोप की बात करें तो अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रिसेंट पोस्ट जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने पोस्ट करा है कि द डिमांड ऑफ स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स इज ग्रोइंग इन कैनेडा कनेडा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑफर्ड एज वन और टू ईयर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स एज डिप्लोमा एंड ऑल्सो एज अ मास्टर डिग्री जैसे मैंने अपने पहले कई वीडियो में भी बताया है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है भी तब भी जो ग्लोबली रिकॉगनाइज सर्टिफिकेशन लाइक सी ए पी एम जो की जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए काफी हेल्पफुल है बाकी जिनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है उनके लिए PMP बहुत हेल्पफुल है एंड इन सर्टिफिकेशन का फायदा यह होता है कि जो एक एवरेज सैलरी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर आप सर्टिफाइड हैं तो आप ज्यादा सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इसी से आते हैं सैलरी के टॉपिक पे अब स्क्रीन पे मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा किस किस सिटी में कितनी एवरेज सैलरी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की अब अगेन ये जो सैलरीज है ये डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे आपके स्किल सेट पे और आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दैट प्रोसेस इज डिग्री अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जो कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं आपके ऐसे एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर वो नहीं है तो हर कॉलेज पे डिपेंड करता है एकेडमिक्स प्लस जो वर्क एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है वो भी कंसिडर करा जाता है उसके बाद अगर आयल्स एंड टॉफल की बात करें तो जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनमें मिनिमम आइट की रिक्वायरमेंट होती है 6.5 एंड जो Toffle की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अराउंड एटी सिक्स अगेन ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए डिफरेंट भी हो सकती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंडोर कॉलेज के लिए देखा जिसकी अराउंड सिक्स है आईलेट्स की एंड जो टॉफल है वो अराउंड सिक्सटी और सिक्सटी फाइव है उसके बाद वंस वी हैव ग्रेजुएटेड और ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन द सेकंड स्टेप शुड बी गेट सर्टिफाइड

एक्सपीरियंस आपके आ चुका है तो अब आपने अपनी नीश अपनी इंडस्ट्री चूज करनी है आप आईटी में जा सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं फाइनेंस में जा सकते हैं हेल्थ केयर में जा सकते हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं इंस्टाग्राम में कि हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है तो मे भी आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड वहां पे आपकी स्किल्स की बेटर यूटिलाइजेशन होगी आपकी फाउंडेशन नॉलेज भी आपके पास है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पे अब अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के इनटेक की बात करें तो तीन सेशन होते हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं आप ऑगस्ट में आ सकते हैं जो कि आपका फोर्थ सेशन होगा उसके बाद जनवरी विंटर होता है वो सेशन उसके बाद आप मे में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका समर सेशन होता है कौन से इनटेक में आना है ये भी कई लोगों की बड़ी प्रेफरेंस होती है जब मैं कनाडा आया था मैं विंटर इनटेक में आया था जहां पे मैंने जनवरी में स्टार्ट करा था अपना आठ महीने का प्रोग्राम सो इट वर्क आउट फॉर मी क्योंकि मैं जब ग्रेजुएट करा तो इट वाज अराउंड अगस्त और सितंबर, सो उस टाइम पे जॉब ढूंढना थोड़ा इजी होता है ये जरूरी नहीं है बट काफी आप ये सुनेंगे कि जो विंटर टाइम होता है उसमें कई बार काफी जगह उतनी ज्यादा हायरिंग नहीं होती है तो अगर आप समर में होंगे आपके लिए इंटरव्यूज पे जाना भी इजी है अगर कहीं भी आपको कम्यूट करना है विंटर में डिपेंड करता है आप कहा रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्नो समटाइम्स इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू कम्यूट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के बाद अगर जॉब्स की बात करें तो काफी जॉब प्रोफाइल्स होती है जॉब टारगेट कर सकते हैं मैं स्क्रीन पे अभी थोड़ी प्रोफाइल्स आपके सामने डिस्प्ले करूंगा उसके अलावा आप मेरा जॉब प्रोस्पेक्ट्स का वीडियो भी उट कर सकते हैं जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैनेडा में कौन कौन सी स्किल्स की आपको जरूरत है किस किस प्रोफाइल के लिए और कितनी उसकी सैलरी की रेंज उस सिटी या फिर उस प्रोविंस में अवेलेबल है मोस्टली सबका एंड गोल पी ही होता है अपने एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बाद तो जो एनओसी वन टू टू वन में ब्रॉडली जो हमारा ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल है ये फॉल करता है तो बस इतने ही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था आई होप ये आपको हेल्प करें प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा शेयर करना मत भूलेगा एंड सब्सक्राइब नहीं है तो वो तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं फॉर नाउ साइनिंग आउट इंडो canadian Desi.